डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, मतलब अपनी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको संसद पर कब्जा करना होगा, संसद में आपको जाना होगा। वहीं इस देश के अंदर बाबा साहब के कहे अनुसार संसद पर कब्जा हमें इसलिए करना था कि इस देश के लोगों का हम भला कर सके, उनके हक अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वो स्वयं को बाबा साहब के अनुयायी तो कहते हैं लेकिन उनका राजनीतिक जो सफर है वो भाजपा के साथ गुजर रहा है, साथ ही वो संसद में सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा, बात कर रहे हैं द थिंग पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस सांसद के बारे में जो स्वयं को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी तो कहते हैं मगर वैचारिक तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। वही संसद जो है वो इतना गंभीर क्षेत्र है, वहाँ पर अपने समाज के अपने लोगों को, लोगों की समस्या को लेकर और आपको जिन लोगों ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है उनकी बात को रखने के लिए आपको भेजा जाता है, उनके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और ऐसे में जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है रामदास अठोले। रामदास अठवाले जी, डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा। चुनकर जाते हैं लोगों के वोटों से, चुनकर जाते हैं और मैंने जैसा कि बताया है कि वो वैचारिक तौर पर भाजपा के साथ बने हुए हैं। और ऐसे में वो बता रहा है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय लीडर हूं, और साथ ही वो वहां पर जिस प्रकार से बात रखते हैं वो बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको ये बात मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को अगर हम एक बार नजदीक से देखें तो हमें समझ में आता है कि बाबा साहब पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर कितने सीरियस रहे। उन्होंने अपने जिंदगी में 3 राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जिसमें से एक स्वतंत्र मजदूर पक्ष रहा है। उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया। उसके पश्चात उन्होंने एक कंसेप्ट बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, लिख कर रखा कि इस प्रकार की पार्टी होनी चाहिए और यह जो पार्टी है वो राष्ट्रीय लेवल पर तमाम सारे जो लोग हैं, ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, जो परेशान है, जो दबे कुचले हैं, उनकी बात रखने वाला यह जो दल बनेगा। और आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ जिनका नाम है रामदास अठावले, वो अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर कहते हैं लेकिन वो करते हैं सिर्फ 1 सीट की पॉलिटिक्स, एक सीट को बचाने के लिए वो राजनीति करते हैं। वही दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी है जो भारत की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और दावा करती है फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन को चलाने का, जो पार्टी दावा करती है कि बाबा साहब के नीले झंडे और बाबा साहब के हाथी को अपने साथ रखने का। साथियों ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद जो है वो आज राज्यसभा में मौजूद है, लोकसभा में मौजूद है और अलग अलग राज्यों के विधानसभा में भी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि है वो मौजूद हैं। तो जो बाबा साहब का नाम लेकर खुद को अनुयायी बताने वाले रामदास अठोले, यह जो है ये जब भी बात करते हैं तो वो हास्यास्पद बात करते हैं क्योंकि संसद जो है वो बहुत गंभीर मामले को डिस्कस करने के लिए बनी हुई है। वही बहुजन समाज पार्टी की जो सांसद है जिसमें से मैं कुछ नाम आपको गिनाना चाहूंगी, जैसे कि राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा, ये जब बात रखते हैं राज्यसभा के अंदर जो कि वरिष्ठ सभागृह है हमारे देश का, वहां पर वो बात करते हैं SC ST के आरक्षण को लेकर। वो बात कर रहे थे, हमने अभी रिसेंटली अगर आपने देखा है राज्यसभा TV तो आपको समझ में आएगा, वो रिसेंटली उन्होंने बात किया कि उत्तराखंड में जो SC ST के रिजर्वेशन पर उत्तराखंड की सरकार ने रोक लगाई है उस पर उन्होंने भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। तो साथ ही ये
गंभीर मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो है वो आपको संसद के अंदर नजर आ रहे हैं। वही रामजी गौतम, जिनको अभी अभी बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने राज्यसभा का सांसद बनाया है, वो नव निर्वाचित है और वे भी संसद में जब बात करते हैं तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली बात की कि SC ST के अंदर जो कर्मचारियों की जो समस्या आज निर्माण हो रही है, चाहे वो निजीकरण के चलते हो या फिर सरकारी पॉलिसी के चलते हो, उन समस्या को ध्यान में रखते हुए रामजी गौतम इन्होंने बात रखी है और संसद को दहला दिया, संसद के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि SC ST के कर्मचारियों की समस्या कितनी गंभीर है। वही मैं अशोक सिद्धार्थ जी की बात करूं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के वो भी सांसद है और वो भी जब बात करते हैं तो हमेशा वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, वो आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं और साथ ही निजीकरण से जो दुष्परिणाम होने वाले हैं और निजीकरण से जिस प्रकार से SC ST का प्रतिनिधित्व खत्म होने वाला है, इस बात के को लेकर गंभीरता से वो बात रखते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर दानिश अली है, कुंवर दानिश अली, ये भी बहुत ही बखूबी से बात रखते हैं, बहुत ही चतुराई से और बहुत ही टैलेंट से वो अपनी बात रखते हैं। निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो या फिर शिक्षकों के भर्ती का मुद्दा हो, ये तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कुंवर दानिश अली जो लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं वो इतनी गंभीरता से आपको बात करते हुए नजर आते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि रितेश पांडे, इनका भी नाम आपने सुना होगा, जो कि अंबेडकर नगर के से चुनकर आए हैं, वो भी जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली उन्होंने अभी बात बताई है कि जो सरकारी क्षेत्रों में जो प्राइवेट विनिवेश होने जा रहा है उस बात को लेकर वो बात कर रहे हैं और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि इनके इन चीजों के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसका क्या डिसएडवांटेज होने वाला है, इनका लोगों को क्या नुकसान होगा और सामान्य SC ST के लोगों का क्या नुकसान होगा और जो कर्मचारी वर्ग है जो वहां पर सरकारी क्षेत्रों में पहले जो काम कर रहा था उस वो जो कर्मचारी है उसकी हालत बाद में क्या होगी जब उन सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण आएगा और उसे जो निजी कंपनियां जो है उसमें जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या क्या समस्या SC ST को या फिर तमाम इस देश के बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार की समस्या को फेस करना पड़ेगा। इन मतलब गंभीर मुद्दों को, इन संवेदनशील मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है वो बात कर रहे थे। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मलूक नागर, ये भी बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, संगीता आजाद हो गई या फिर श्याम सिंह यादव हो गए, ये जब भी बात करते हैं तो समाज को झकझोरने वाला, समाज के अंदर से आने वाली समस्याओं को लेकर बात करते हैं। तो बाबा साहब के मूवमेंट के लोग कौन है, बाबा साहब के आंदोलन के लोग कौन है, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कौन हो सकते हैं। तो साथियों, जो समाज की बात करते हैं, समाज के हितों की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति के को स्टडी करते हैं और उसके बाद वो उसका उसकी समीक्षा करते हैं, उसका 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 तुलनात्मक पढ़ाई करते हैं और तुलनात्मक पढ़ने के बाद वो ये समझते हैं कि यह समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए खतरनाक है और उस बात को देखते हुए वो संसद में आवाज उठाते हैं। वही मैं जिनकी बात कर रही थी, रामदास अठावले की, तो वो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी तो कहते हैं लेकिन वो काम जो है वो गोडवलकर का करते हैं, वो काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, वो काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर करते हैं और इसीलिए उन्हें यह जनता के मुद्दे उन्हें नजर नहीं आते। यही कहती हूँ, यही रुकती हूँ। जय भीम, जय भारत, बने रहिए द थिंग के साथ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।